मध्य प्रदेश के भिंड से भाजपा ने संध्या राय को प्रत्याशी घोषित किया था। संध्या राय ने इस सीट से शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के इंजीनियर देवाशीष को 19,09,885 वोटों से हराया है। भिंड से 35 साल बाद भाजपा ने किसी महिला उम्मीदवार को उतारा था। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 12 मई को भिंड दतिया लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था, जिसमें यहाँ 54.48% वोटिंग हुई थी। इस सीट से संध्या राय को उम्मीदवार बनाने के लिए भाजपा ने मौजूदा सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का टिकट काटा था। 35 साल पहले भाजपा ने इस सीट से वसुंधरा राजे को टिकट दिया था, लेकिन यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस सीट पर पिछले 8 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। वहीं कांग्रेस को इस सीट पर सिर्फ 3 बार जीत नसीब हुई है। भिंड के पहले IAS अफसर डॉक्टर भागीरथ प्रसाद यहां से 2014 लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट संध्या राय को दे दिया। संध्या राय दिमनी से पूर्व विधायक और वर्तमान में महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। संध्या राय को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के नजदीक माना जाता है। संध्या राय वैसे तो मुरैना जिले के दिमनी की रहने वाली है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.